नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक का आपको अपडेट दिया है, टारगेट प्राइस दिया है, सबका जो है हिट हुआ है टारगेट प्राइस। ऐसे ही हम लोग कोशिश करते हैं आपको जो है अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल स्टॉक के बारे में, और यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कि इसमें और कितना मुनाफा मिल सकता है। आज के रेट का अगर बात करते हैं भारतीय एयरटेल, अच्छा खासा जो है एक तेज़ी देखने को मिला है स्टॉक पे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भारतीय एयरटेल में देखा जाए क्या अपडेट है और कितना हम लोग को मुनाफा मिल सकता है। कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको एक टारगेट प्राइस देने के लिए भारतीय एयरटेल का, जो आपको मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे भारतीय एयरटेल को, उसके पहले बताना चाहेंगे जैसे कि अभी AGR को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहा है, और उसी के चलते जो है भारतीय एयरटेल या फिर हम लोग वोडाफोन आइडिया का भी देखा कि वोडाफोन आइडिया में जो है दिक्कत बना हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ड्यूज है AGR का वो वोडाफोन आइडिया को है। वो अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया को देना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे, कुछ बातें ऐसा भी आ रहा है दोस्तों, जैसे कि AGR का जो अमाउंट है वो जो भी टेलीकॉम कंपनीज के पास अभी AGR का बकाया है उनको वो चुकाना पड़ेगा 10 साल के अंदर। तो 10 साल के अंदर जो वो लोग चुकाएंगे तो वो पैसा कौन भरेगा? कोई भी कंपनी देखिए, अपने जेब से तो पैसा भरता नहीं है, टेलीकॉम वाले भी अपने जेब से तो पैसा भरेगा नहीं। 10 साल के अंदर जो इनको पैसा भरना है वो कस्टमर से ही लेगा। तो जो भी कस्टमर्स है अभी, जो भी ARPU वगैरह है उसमें ये लोग प्राइस कुछ बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है जो भी मुनाफा आएगा उसमें से ये लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अमाउंट अपना AGR का चुकता करने के लिए। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पे AGR क्या है, तो ज़्यादातर लोगों को जो है पता रहेगा जो टेलीकॉम स्टॉक के बारे में या फिर टेलीकॉम कंपनीज के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। AGR जो करीबन 1999 में ये शुरू हुआ था, और जहाँ पे ये बात हुआ था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो भी रेवेन्यू रहेगा उसमें से 1% जो है, मतलब कुछ 1% जो है वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अभी यहाँ पे जो है बहुत साल से जो है, जैसे कि कुछ कंपनीज़ पुराने कंपनीज में से वोडाफोन आइडिया हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, उन लोगों ने चुकाया नहीं था। तो इन इसके लिए जो है इन लोगों का AGR का ड्यूज देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा तो AGR का ड्यूज है वो है वोडाफोन आइडिया का। तो वोडाफोन आइडिया को जो है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, और हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया का जो भी ARPU रहे वो बढ़ जाए, क्योंकि टेलीकॉम ARPU भी बढ़ सकता है। अभी अगर आप देखते हैं तो सबसे कम ARPU जो है वो इंडिया में है टेलीकॉम का जो है, और करीबन जो है 80 या 90 रुपीज़ के आसपास है, वो बढ़ के हो सकता है 110 रुपीज़ तक पहुँच जाए, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो 110 तक पहुंच जाएगा, तो उसमें जो है जो भी पैसा है, देखिए जो भी पैसा हम लोग टेलीकॉम को पे करते हैं वो हम लोग को जो भी आप यूज़ करते हैं आपको ये पैसा भरना पड़ता है। तो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो भी बकाया चुकाना पड़ेगा वो खुद से जेब से तो भरेगा नहीं, वो कोई भी ऐसा प्राइस का जो है जो भी लोग सर्विस ऑफर करते हैं उसमें जो है प्राइस इंक्रीज करके कोशिश करेंगे इन लोगों को जो अमाउंट जो है जो भी AGR का बकाया है वो चुकाने के लिए। और जैसे कि अभी पता है वोडाफोन आइडिया भी जो है ट्राई कर रहा है फंड रेजिंग का, और इसके पहले भी इन लोगों ने कोशिश किया था, जो आपको हम लोगों ने पहले एक बार वीडियो बना के बताया था, ये लोग अभी फंड रेजिंग का भी ट्राई कर रहे हैं। फंड रेजिंग में भी ये लोग कोशिश करेंगे कुछ अमाउंट जो है जो एक साथ करने के लिए, उसके बाद AGR का ड्यूज चुकाने के लिए। अभी जो हम लोग AGR का बात कर रहे थे, तो AGR में जो जियो का है, जियो का नाम उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि जियो का हम लोग को पता है करीबन 2016 के आसपास शुरू हुआ था जियो का सर्विस। तो जियो का सर्विस जो है उसके 2016 से जब AGR का बातचीत शुरू हुआ है उतना जो है जियो का ड्यूज नहीं था, इसलिए जो भी ड्यूज था जियो ने जो है ये जनवरी में कंप्लीट कर दिया है। सबसे ज़्यादा ड्यूज वोडाफोन का, वोडाफोन आइडिया का था, और वोडाफोन आइडिया भी अलग अलग कंपनी दोनों मर्ज हुआ, तो वोडाफोन आइडिया का ड्यूज जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एयरटेल का है। अभी एयरटेल का बात करते हैं, इन लोगों ने ट्राई किया था कि जो है जो भी इन लोग का AGR का भुगतान है वो 20 साल में करने के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे थे वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल। तो 20 साल में ये लोग सोच रहे थे AGR का ड्यूज कंप्लीट करेगा, बट वो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बताया गया कि 10 साल के अंदर जो इन लोग का AGR का ड्यूज है वो कंप्लीट करना है। 20 साल से ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट शायद कोशिश कर रहे थे 20 साल तक इन लोगों को मौका देने के लिए, ताकि ये लोग जो है जो भी AGR ड्यूज है वो चुकता कर पाए। उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने कोशिश किया 15 साल तक ला पाए, वो भी नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट से बता दिया गया कि 10 साल तक जो है इनको वक्त दिया जा रहा है, इसी वक्त के अंदर जो है इनको AGR का ड्यूज कंप्लीट करना है। अभी अगर वोडाफोन मार्केट में रहना चाहता है, वोडाफोन को अगर अपना बिजनेस इंडिया में चालू रखना है, तो इनको जो है वोडाफोन आइडिया को, माफ कीजिए, वोडाफोन आइडिया को इनको जो है ARPU बढ़ाना पड़ेगा।
और इनको जो है एआरपीओ बिना भरा के इनको एजीआर का जो भी भुगतान है वो करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब हम लोगों ने रिसर्च किया तो ज़्यादातर जो लोग हैं विशेषकर उन लोगों ने ही बताया कि हो सकता है कि एआरपीओ जो है 80-90 रुपये से 110 रुपये तक पहुँच जाए, जो कि दिक्कत जो है जो पैसा है वो कस्टमर से लेंगे, पब्लिक से लेने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से भी बातचीत हो रहा था, तो 10 साल के वक्त के अंदर अगर इनको चुकाना है तो इनका सर्विस का प्राइस भी बढ़ा देंगे, जिसका भुगतान अपने पब्लिक को करना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एयरटेल का, जो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे एयरटेल का अगर बात करते हैं तो एयरटेल हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इन लोग का जो एजीआर है वो चुकता कर दें। और अभी अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं, सबसे जो ज़्यादा कस्टमर्स है वो है जियो के पास, उसके बाद आता है एयरटेल, उसके बाद आता है वोडाफोन आइडिया। तो एयरटेल जो हो सकता है बहुत ही जल्दी अपना ड्यूज़ कंप्लीट कर दे। और एयरटेल में जो अभी ज़्यादातर दिग्गज लोग हैं उन लोगों ने सजेशन दिया है खरीद के रखने के लिए स्टॉक, जब ये स्टॉक का प्राइस करीबन 460-70 के आसपास था, 60 या 65 के आसपास था, तभी हम लोगों ने इसका टारगेट प्राइस दिया था आपको और आपको बताया था खरीद के रखने के लिए। देख सकते हैं आज जो है करीबन स्टॉक जो है 90 रुपये के ऊपर पहुंच गया जब हम लोगों ने टारगेट प्राइस दिया है। आज का बात करते हैं, स्टॉक ओपन हुआ है 550 रुपीज़ में एंड हाई प्राइस दिया है 559 रुपीज़ का, लो प्राइस 545.10 पैसे का। तो जो हाई ओपन प्राइस है उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक जो है 9 रुपया उछाल देखने को मिला है, ओपन 550 में ओपन हुआ उसके बाद 9 रुपया उछाल देके हाई प्राइस दिया है 559। तो स्टॉक अभी जैसा चल रहा है इसमें जो जितने सारे लोग बुलिश है तो हम लोग को लग रहा है ये स्टॉक में अच्छा खासा और एक जो है मुनाफा मिल सकता है। यहाँ पे बात करते हैं 52 का हाई प्राइस का, 52 का हाई प्राइस दिया है 612 रुपीज़ एंड 52 का लो प्राइस है 325 रुपीज़। 52 वीक के अंदर स्टॉक में जो हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है। अगर आप एक महीना पहले का भी ग्राफ देखते हैं स्टॉक में तो स्टॉक का प्राइस एक महीना पहले 547.35 पैसे में ट्रेड हो रहा था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला और स्टॉक जो है करीबन 520 रुपये के आसपास पहुंच गया था या फिर उसके नीचे भी पहुंच गया था एक महीने के अंदर। उसके बाद देख सकते हैं स्टॉक में जो है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 6 महीना पहले का ही बात करेंगे तो 6 महीने के अंदर जो है स्टॉक में जो है स्टॉक करीबन 470 या 72 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, फिर 460 तक भी पहुंच गया था 6 महीने के अंदर। तो हम लोग को इतना क्लियर हो गया कि अभी जो एयरटेल का है, भारतीय एयरटेल का जो भी अपडेट है एजीआर को लेके भी, वो शायद से भारतीय एयरटेल बहुत जल्दी उसको क्लियर करेगा, उसी के चलते जो इन्वेस्टर्स थे वो भी बुलिश रहेंगे। और भारतीय एयरटेल का जो ग्राफ यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, कुछ दिन पहले इसने जो है करीबन 560-570 के आसपास इसने हाई टच कर दिया था, तो उसी के चलते अगर बात करेंगे स्टॉक जो है बहुत ही जल्दी हम लोग को मुनाफा दे सकता है। तो यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर का भी देखते हैं तो स्टॉक जो है 560.80 पैसा तक हाई दे दिया था 7 अगस्त को। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक टारगेट प्राइस अगर देखते हैं दोस्तों, तो टारगेट प्राइस जो है करीबन 565 से लेकर 66 तक आप रख के चल सकते हैं। आपको अगर ये स्टॉक 549 तक मिल जाता है, 50 तक मिलता है, तो आपको जो है एक स्टॉक में आराम से 10-15 रुपया मुनाफा मिल जाता है। जो है स्टॉक अगर ध्यान रखना है कि 549-548 तक मिल जाता है तो इसमें 10-12 रुपया जो है मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल फिनोइश पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना।